नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। कहावत जिससे हमने शुरुआत की थी, कहावत है सोए हुए शेर को छेड़ना नहीं चाहिए। बताता हूं क्यों। उस सोए हुए शेर की शराफत तभी तक है जब तक वो सोया हुआ है। जब वो जाग जाता है तो पूरा जंगल साफ हो जाता है। जी हां, पाकिस्तान ने भी उसी सोए हुए शेर यानी भारत को जगा दिया है और उसका खामियाजा उसे लगातार उठाना पड़ रहा है। आतंकियों का आका बने बैठे पाकिस्तान को भारत ने उसके घर में घुसकर मारा है और मार भी ऐसी पड़ी है कि ना निगलते बन रही है और ना उगलते। आज आर पार में यही होगा बहस का मुद्दा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब पाकिस्तान का इंतजाम करने की भारत अब ठान चुका है। नहीं सुधरा पाकिस्तान तो कर देंगे उसके टुकड़े चार। आज आर पार में भारत के बदले का विश्लेषण भी होगा और कैसे भारत ने घर में घुसकर पाकिस्तान को एक बार फिर मारा है उसकी बात। सितंबर 2016, सर्जिकल स्ट्राइक। दो पाक सैनिक, 38 आतंकवादी मार गिराए। 10 मई 2017, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू। नौशेरा सेक्टर में 5 चौकियां ध्वस्त। 1 जून 2017, पुंछ नौशेरा सेक्टर में 5 पाक सैनिक ढेर। 5 पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए महज ये चंद तारीखें ही काफी हैं। जब जब पाकिस्तान अपनी हदों से गुजरने की कोशिश करता है तो भारतीय सेना उसे आईना दिखा देती है। इस बार भी सरहद पार से घुसपैठियों को भारतीय सीमा में घुसाने की कोशिश कर रहे पाक को हमारे जवानों ने उसी के घर में घुसकर मारा है और 5 जवानों को ढेर कर दिया। डोमिनेशन टेररिस्ट की के ऊपर काफी हद तक इस वक्त बना हुआ है। आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को भारत ने हर मंच पर बेनकाब किया है। कुलभूषण जाधव को जासूस बताकर फांसी की सजा देने पर पाक को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में गलत साबित किया। पाक का गिरगिट की तरह बदलता रंग भी दुनिया भर के सामने आ चुका है। खुद सऊदी अरब में पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बोलने का मौका नहीं दिया गया तो वहीं अमेरिका भी आतंक के लिए पाक को कई बार लताड़ लगा चुका है। आज पाकिस्तान से भारतीय सेना के बदला लेने को और उसे घर में घुसकर मारने पर होगा आर पार। और आज आर पार में हम आपको वो विश्लेषण बताएंगे जो हर भारतवासी यानी हर देशवासी सुनना चाहता है। पाकिस्तान से भारत के बदले का विश्लेषण सुनिए। पाकिस्तान को हाथों हाथ सेना का मुंहतोड़ जवाब अब मिलने लगा है। भारतीय सेना ने कल 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 6 को घायल कर रखा है जो पाकिस्तान के अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। 10 मई को भी सेना ने पाकिस्तानी चौकियां उड़ाई थी, विध्वंस कर दी थी। अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान जैसे पाकिस्तान के मित्र देश अब पाकिस्तान से दूर चले गए हैं और रशिया कह रहा है आतंकवाद की इस लड़ाई में हम भारत के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। प्रधानमंत्री जिस यात्रा में वहां ये बात हुई। हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने पैनल की। मेरे साथ आज हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कि रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, गौरव भाटिया। मेरे साथ इस डिबेट में राज कादियान, रक्षा विशेषज्ञ अभिजीत भट्टाचार्य हैं जो कि भारत के गायक हैं, वो मेरे साथ इस डिबेट के अंदर।
जुड़ रहे हैं। मेरे साथ ब्रिगेडियर जावेद हुसैन है जो कि कराची से मेरे साथ लाइव हैं। मेरे साथ इस डिबेट में ब्रिगेडियर हारिस नवाज हैं जो कि कराची से लाइव हैं। आप दोनों का स्वागत है। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर शेष नारायण सिंह आप जुड़ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं उनका व्यू पॉइंट भी लूंगा, लेकिन इस डिबेट की शुरुआत राज कादियान आपसे, और बहुत सीधा सवाल। पाकिस्तान को पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त जवाब मिले हैं। कल 5 सैनिकों को मौत के घाट भारत ने उतार दिया है, 6 को घायल कर दिया है, 10 मई को तमाम चौकियां उड़ा दी। क्या आपको लगता है भारत की सेना में वो क्षमता है जो पाकिस्तान को निस्तेनाबूत कर सकती है, जो पाकिस्तान को यह समझाने के लिए काफी है कि सोए हुए शेर को जगाना क्यों नहीं चाहिए? राज कादियान, 30 सेकेंड आपके पास। देखिए, भारत की क्षमता में तो पाकिस्तान को भी कोई शक नहीं है, इसीलिए वो 3 बार हमला करके जब हार चुका है तो उसने ये प्रॉक्सी वार की 1989 से अपनी तजवीज को अंजाम दे रहा है, जो घाटी में खलबली पैदा रहा है। भारत ने बहुत संयम दिखाया, लेकिन 1 मई को जब हमारे 2 सैनिकों के साथ पाकिस्तान ने फिर बर्बरता की तो मैं समझता हूँ संयम की सीमा पार हो गई। सर्जिकल स्ट्राइक जो सितंबर में करी थी उससे भी पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा। 1 मई के बाद अभी तक हमारी थी, जब पाकिस्तान कुछ एक्शन करता था हम उसका जवाब दे के चुप हो जाते थे, लेकिन अभी पाकिस्तान को सजा देने का सिलसिला जारी है और जारी ही रहने की उम्मीद है और होना भी चाहिए। ये अभी तक हम सिर्फ इवेंट टू इवेंट रिएक्ट करते थे, लेकिन अभी हम लगातार LOC को गर्म रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी क्षमता नहीं है कि वो LOC पर सस्टेन्ड फायरिंग लंबे अरसे तक जारी कर रखे। इसी वजह से उन्होंने 2003 में भी सीज फायर मांगी थी, जब आर्टिलरी फायर दोनों तरफ से होने लगे थे। बिल्कुल, भारत को वही स्थिति दोबारा पैदा करनी पड़ेगी। भारतीय सेना उसकी तरफ अग्रसर बढ़ रही है। जी, मैं सीधा रुख करता हूं ब्रिगेडियर हारिस नवाज का। ब्रिगेडियर नवाज, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए पाकिस्तान क्यों ऐसी हिमाकत हरकत करता है जिसमें उसको बार बार मुंह की खानी पड़ती है? आपने 2 सैनिकों के साथ बर्बरता की, उसका रिजल्ट आपने देखा। आपने गलती से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करी, उसका रिजल्ट आपने देखा। आपकी चौकियां ध्वस्त हो गई 10 मई को। क्या आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि भारत पाकिस्तान के लिए बहुत दूर की कौड़ी है, इसीलिए अगर यह सब करना है तो फिर रिजल्ट के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए, फिर सीज फायर मत मांगिए। आपको देखें, आपको मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान हर वक्त वैसे ही तैयार है आपकी तरफ से, क्योंकि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है। सेकंड बात यह है कि आप जितनी मर्जी स्टोरी हम डालें, फील्ड फायरिंग पे जाके आप अपने बंकर शो करते हैं, मॉक एक्सरसाइज करके दिखाते हैं पाकिस्तान के बंकर गिरा दिए। हमने आपके बंकर्स मारे, आपके फौजियों को मारा, 5-6 तड़प रहे थे क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, आप उनको उठाने नहीं आए। आपके लीडरशिप इतनी डर रही थी, आपके जवान डर रहे थे, वो नज़दीक नहीं आए। आपके मुतालिक आपके तमाम सिपाही सोशल मीडिया पे जाके कहते हैं हमें खाने को नहीं मिलता, हमें पीने को नहीं मिलता, हमें दूसरे काम करें। आपकी फौज तो लड़ने के लिए फिट ही नहीं है। इधर पाकिस्तान की फौज देखिए, लड़ने के लिए फौज फिट नहीं थी तो सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे ही हो गई। मेरी बात, लड़ने के लिए फौज फिट नहीं थी तो 99 के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक का ऐसे ही टेक दिए, और लड़ने के लिए फौज फिट नहीं थी तो 71 के अंदर 92,000 आप भी शायद हिंदुस्तान में होंगे, आप ऊपर करके बैठे होंगे, आप भी शायद हिंदुस्तान में होंगे तब जब बांग्लादेश बना था। याद है ना वो दौर? वो दौर याद है कि नहीं याद है आपको? बताइए आप मुझे। तो आप तो स्टेट टेररिस्ट हैं, आप खुद मानने के बिना स्टेट टेररिस्ट करते हैं। स्टेट टेररिस्ट कौन है? पूरा देश, पूरा पूरी दुनिया जानती है। आपको ईरान क्या कहता है? आपको सऊदी अरेबिया क्या कहता है? आपको अमेरिका क्या कहता है? आपको रशिया क्या कहता है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली यू आर मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्टर है टेररिज्म के इस दुनिया के अंदर। ओके, आपकी फौज शेष नारायण सिंह रिस्पॉन्ड, भारत के सैनिकों में दम नहीं है। इनको इन लोगों से अब बातचीत का आज मुझे नहीं लगता कि ये बातचीत डिजर्व करते हैं। आयुष, ये लोग देखिए, दो ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में। एक आप जनरल ब्रिगेडियर साहब एक मिनट सुन लीजिए, पाकिस्तान में एक तो पीपुल ऑफ पाकिस्तान है जिनको, और दूसरा है एस्टैब्लिशमेंट।
जिसमें ये जनरल लोग हैं, फौज है, आईएसआई है और उनके मुल्ला लोग हैं, जिहादी हैं। ये जो एस्टैब्लिशमेंट का सेक्शन है, जिहादी और फौज और उनके पॉलिटिशियंस, ये पाकिस्तान के पीपल के नाम पे पूरी दुनिया से, सऊदी अरेबिया से, अमेरिका से, रूस से भीख मांगते हैं और अपने ऐशो आराम का बंदोबस्त करते हैं। तो अब इस वक्त ज़रूरत है कि इन लोगों से बात ही न किया जाए, ये लोग भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं और उसी तरह से काम करते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम हिंदुस्तान को पीपल ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े होकर, जो 1965 में माफ़ कर दिया था, लाहौर पे कब्जा करने जा रहे थे, छोगिल नहर तक चले गए थे और लौट के चले आए, शास्त्री जी भले आदमी थे, लेकिन अब ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान का जो प्रशासन है, जो बलूचिस्तान है, जो खैबर पख्तूनख्वा है, जो पंजाब है, पंजाब में इनको रहने तो फौज का वहाँ ज़्यादा कब्जा है, लेकिन सिंध को एकदम इंडिपेंडेंट टेरिटरीज बना दिया जाए और हिंदुस्तान की आर्मी को अब यह लक्ष्य रखना होगा, क्योंकि इन लोगों को, इन ये जो इस्टेब्लिशमेंट हैं जो पाकिस्तानी लोगों का खून पी रही है, वहाँ की राजनीति, वहाँ की फौज, वहाँ के आईएसआई, वहाँ के जिहादी, और वो गरीब लोग हैं, एकदम खस्ताहाल लोग हैं, और ये उनके खिलाफ ये लोग लामबंद हो रहे हैं जी, तो जी। इनको सजा देने की जरूरत है और इनको हटा के वहां पे पाकिस्तानी अवाम की हुकूमत कायम करना, ये हिंदुस्तान का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जो जैसा बांग्लादेश में किया था ठीक उसी तरह से वहां करना पड़ेगा, वरना इन फौजियों पाकिस्तान बांग्लादेश लगता है कि क्योंकि लोग फिर पाकिस्तान से तो बांग्लादेश निकला है, आप क्यों भूल जाते हैं जनरल साहब, जनरल पाकिस्तान से तो बांग्लादेश कहना चाहता हूं, बांग्लादेश पाकिस्तान से तो निकला है। हाँ बताइए, आपने स्टेट टेररिज्म की थी, वहां पे इतने दूर बैठे हुए थे, नहीं जावेद हुसैन, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप, आप भी उसी फौज में शामिल थे ना जो हाथ ऊपर करके खड़ी थी, अरे क्या आपने तो 65-71 देखा है, पिटाई देखी है कैसे होती है, 99 भी देखा है, आपको आपको सिखा देंगे कैसी होती है लड़ाई। सारी बात यह है कि वो तो सीख चुके, वो तो 3 बार सिखाया, एक बार तो जिन्ना जिंदा थे जब आपने सिखाया था 47 में, जब दौड़ा दौड़ा के मारा आपके साथ क्या किया है, भूल गए आपके साथ 65 में लाहौर में आपने ब्रेकफास्ट करने आना था, आपने सरेंडर करने के जिमखाना में आके शेयर करेंगे, आपको पता चला कितनी मार पड़ी, सरेंडर अरे वो तो करेंगे, देखते रहिए, एक एक सेकंड के अंदर 6,000 के लाए गए, ब्रिगेडियर आवाज जरूरी है, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन नहीं बोल सकते अपनी तरफ से, जो आपको उनके बचाव के लिए आना पड़ रहा है, मुझे मुझे बिल्कुल लग रहा है कि 71 की मैंने बात कर दी तो थोड़ा सदमे में वो चले गए, क्योंकि 71 की लड़ाई में बहुत एक्टिव थे ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, और 71 को याद करके खौफ ज्यादा हो जाते हैं, डर लगता है 71 को याद कर, मैं फिर गौरव भाटिया का रुख करूंगा, ये क्या ये कोई डिबेट है क्या है, बोले जा रहे हैं टॉकिंग ऑल रबिश, मैं आपका देश रबिश बातें कर रहा है। सारी बात यह है कि आप लोग इस इतने छोटे दिल और छोटे दिमाग के आदमी हैं। अच्छा, कि मैं तो हैरान हो गया कि इतना बड़ा मुल्क और इतने छोटे दिमाग रखे हुए हैं, आप किस किस्म की बात करते हैं, आप अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि आपको एहसास कमतरी है, ऑल ऑफ यू आर ब्रिस्लिंग विद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, आप उसमें से निकले तो फिर थोड़ी बहुत सेंसेबल बातें आप सीख लेंगे हम लोगों से, जहां तक आप सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब की बात कर, और यार बात मत काटो बीच में, सेंसिबल बात आप करिए ना, सिंध आपको कौन रोकता है, सिंध और बलूचिस्तान की बात कर रहे हो यार, तुम बोलते बहुत हो, तुमको सिखाया नहीं है, तुमको किसने, नहीं नहीं मुझे तो सब कुछ पता है, आप अपने अपने साथ में जो आपके जनरल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने शुरुआत करी, उन्होंने बोला आपकी सेना क्या लड़ेगी, वो तो डरती है हमारे से, अब आप मुझे बताइए, शेर के आगे आप चूहा बोले कि आप उससे डरते हो, शेर क्या डरने लग जाएगा, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ही नहीं पता, आपको पूछो जीडी बख्शी से, कभी हेलीकॉप्टर जा रहा है, कभी फुट इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, अब गौरव भाटिया आपको भारत की ओर से बताएंगे क्या सर्जिकल स्ट्राइक क्या थी, 99 क्या था, 71 क्या था, इंजीनियर आओ 71 की भी, आई नो 71 आपकी दुखती रह गया, वेट कर लो, मैं पाकिस्तान पैनल से एक गौरव भाटिया एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं इस डिबेट के दौरान, शायद गौरव भाटिया हियर मी आउट, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे डिबेट के दौरान करता हूं, पाकिस्तान को देखिए जनरल, ये जो ब्रिगेडियर जावेद हुसैन है इनसे 71 की बात मत करिएगा, ये सदमे में आ जाते हैं, ही गेट्स इन शॉक,
आप शौक होते हैं, इनको तकलीफ मत। गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट, देखिए लेके 65 तक आप इकहत्तर कर लें, 71 में जो हुआ नंगा कर दूंगा। देखिए अमीर जी आपको समझना होगा, 71 में जो हुआ वो बहुत पाकिस्तानियों के लिए दर्द वाली बात थी, और वो ऐसा जख्म है कि वो भरेगा नहीं। जब जब ये विश्व के नक्शे में बांग्लादेश देखेंगे तो इनको याद आ जाएगा कि भारतीय सेना कितनी मजबूत है और कैसे करारा जवाब पाकिस्तान को देती है। 1999 में कारगिल में भी इनको करारा जवाब मिला, और अभी देखिए अमीर जी ये सर्जिकल स्ट्राइक के सर्वे से बाहर निकले नहीं है। पाकिस्तान की दिक्कत क्या है कि अगर इनकी पतलून भी फटती है तो ये खुदा की तरफ देख के कहते हैं कश्मीर लेके जा रहे हैं, मुझे सुई दे दो, मेरी पतलून फटी हुई है आपको। और आप पाकिस्तान ऐसा देश है कि हर देश अपने जवानों का सर आंखों पे बैठा के रखता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है कि अपने जो जवान होते हैं जो मर जाते हैं उनकी बॉडीज क्लेम नहीं करता है। करगिल में लेने नहीं आए थे, क्लेम नहीं करते आपके छह लोग बॉडी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पड़े थे, की बात है आप उनको लेने भी नहीं आए। पाकिस्तान आज एक डेमोक्रेसी नहीं है, चिल्ला रहे थे प्रजातंत्र के लिए हमें निकाल लो, एक टेररिस्ट स्टेट है, और वो ब्लीडिंग के मर भी गए और आप उनको लेने नहीं आए। ब्रिगेडियर नवाज, ब्रिगेडियर नवाज, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, ऐसा तमाचा पड़ा तो कि अभी तक इनको दर्द हो रहा है। कुलभूषण जाधव जी को सर्विंग गलत तरीके से रखा है। आज पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी नहीं है, एक मिलिट्री स्टेट, एक टेररिस्ट स्टेट बन गया है। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन रिएक्ट कर रहे हैं। गौरव भाटिया, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन रिएक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से गायब कर देगी। और पंजाब की बात कर रहे हो, बलोचिस्तान की बात कर रहे हो, भूल गए हो सेवन सिस्टर्स, सेवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अरे आप बांग्लादेश की बात क्यों नहीं करते? बांग्लादेश आपका हिस्सा था, बांग्लादेश का मुल्क है, और इससे पाकिस्तान वीरता से आज बांग्लादेश अलग हो गया। आज की सेना ने वहां पे समर्पण किया, आप भूल गए क्या? इंडिया विल गो अप इन फ्लेम्स। नंबर दो, आपको पता है आपकी फौज में म्यूटिनी करने की बात कर रहे, उठा उठा के जवान मुंह के बल आप गिरे और आप केस कर रहे थे आपके अफसरों को लद्दाख में। नहीं नहीं, आपको पता है आप अपने जवानों की डेड बॉडीज नहीं लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, भारत वो देश है कि जब पाकिस्तान में पेशावर वाला आतंकवादी हमला हुआ और बच्चे मरे तो भारत के सारे नागरिकों ने आंसू बहाए, और इस भारत पे आप आतंकवादी लड़ाई करवा रहे हैं। आप यहाँ पे ये सेंस की बात करना ही नहीं चाहते। और पाकिस्तान ने टाइमलाइन निकाली है 14 अक्टूबर 2016 से 21 मई 2017। टाइमलाइन ब्रेक के बाद वो मैं टाइमलाइन ब्रेक के बाद बताऊंगा और इनसे जानूंगा कि कौन डरता है और कौन क्या कर सकता है। पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है, और दोनों ब्रिगेडियर साहब 71 की जंग हार चुके हैं। जैसे ही 71 का नाम लिया वैसे ही दोनों बौखला गए और फिर सेंसलेस बात करने लगे। कह रहे भारत की सेना डरती है इसीलिए हमसे लड़ती नहीं है। अरे डरते तो आप हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो आतंकवाद फैलाते हैं। अगर आपको इतना ही शौक है जंग का तो आमने सामने आकर लड़ाई लड़ लीजिए। आमने सामने जब लड़े हैं तब पिटे हैं, 65 में पिटे, 71 में पिटे, 99 में पिटे, सर्जिकल स्ट्राइक में पिटे, लगातार पिटे हैं आप। पिटने के अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है। मैं एक अंतराल लेता हूं, लेकिन अंतराल के बाद ये टाइमलाइन बताऊंगा जिससे तमाम पाकिस्तानी पैनलिस्ट के क्या उड़ेंगे आप देखिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, हिंदुस्तान पाकिस्तान का पैनल आमने सामने है। और मेरे साथ इस डिबेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, जो कि भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। राज कादियान है भारत के रक्षा विशेषज्ञ, जो भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरे साथ शेष नारायण सिंह है भारत के वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ अभिजीत भट्टाचार्य है भारत के प्रमुख गायक। मेरे साथ पाकिस्तान कराची से ब्रिगेडियर जावेद हुसैन है, और ब्रिगेडियर हैरिस नवाज है जो कि कराची से इस समय लाइव है। और इस दौर में अभिजीत मेरे साथ है। अभिजीत दा, आपका स्वागत है। मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, क्योंकि ब्रेक से पहले बहुत सी बातें हुई। पाकिस्तान के ब्रिगेडियर कह रहे थे भारत की फौज डरती है इसीलिए हमारे साथ लड़ाई नहीं लड़ सकती। सच्चाई यह है कि 3 लड़ाइयां हुई हैं अभी तक और एक सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान के हालात क्या है वो सत्य है। अभिजीत,
इनसे। देखिए, शेर भी जब जंगल में चलता है या हाथी भी जब जंगल में कभी निकलता है तो उनको कभी कभी डर लगता है, कब पीछे से गीदड़ सियाल नोच लेंगे। तो ये डर हम लोग को लगता है पाकिस्तान से, क्योंकि हम लोग शेर लोग हैं, हम लोग हाथी लोग हैं, कब पीछे से एक सियार गीदड़ आके काट लेगा। और सबसे पहली बात है कि भारत ने दो बहुत बड़े महान काम किए। सबसे पहला महान काम, इनको तो हम लोग को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि हमने आपको जन्म दिया, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जन्म दिया। रिश्ते में तो आप हमारे मौसेरे भाई लगते हो और हिंदुस्तान आपका वालिद लगता है। और ये जो छोटे मोटे पत्थरबाजी से ही हमको समझ में आता है, कश्मीर में जब आप पत्थरबाजी करवाते हो तो क्यों हम लोग डरते हैं? इसलिए डरते हैं कि ये पत्थरबाजी, ये गोलों के सामने पत्थरबाजों को क्या हम उड़ा दें, गोले से उड़ा दें, तो हम लोग को डर लगता है। इसी चीज, ये मच्छरपना, ये मक्खी जैसे आके आ जाते हो, मलेरिया फैला देते हो, डेंगू फैला देते हो। तो प्लीज, मेरा लैंग्वेज इसी तरह का है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग गुड नाइट या कुछ एक ब्रांड आता है मच्छर, हम लोग मच्छरदानी नहीं लगाते, उड़ा देते हैं। यार ये बातें बोलना बंद कर दीजिए कि भारत की आर्मी, भारत की सेना आपसे डरती है। ये इस सदी का सबसे बड़ा जोक है, सदी का सबसे बड़ा जोक है। आगे बोलिए, आपको एग्जांपल चाहिए, मैं आपको बताऊं। क्रिकेटर में आप बॉलर्स, आगे बॉलर्स, आप तो क्रिकेट में खेलते ही नहीं है, आप तो क्रिकेट खेलते ही नहीं है, डरते हैं। आप लोग भेज रहे हो, हमारे क्रिकेट ही नहीं खेलते हैं, आप में क्रिकेट खेलने की हिम्मत नहीं है। आप ये बताइए, ये आपको हरा कर, हाँ, डरते हैं ना कि क्रिकेट बॉलर्स की जगह, आप डरते हैं, बॉलर्स की जगह पत्थर भेजोगे, क्या वजह है? बॉलर से नहीं फेंकेंगे हम, बॉलर कुछ और मारेंगे इसकी जगह, बॉलर की जगह आप पत्थरबाज भेजोगे पाकिस्तान की फौज से, आप बॉलर की जगह पत्थरबाज भेजते हो। फौज वेल ट्रेंड आर्मी है, पाकिस्तान की आईएसए से आप हमेशा घबराते हैं, बताया ना, इसलिए कि वो दुनिया की मानिस भाई जनती है। शेर गीदड़ और सियालों से आप डरते तो हैं, कुछ नहीं गीदड़ क्या, आप तो कुछ भी नहीं है, आपसे क्या करें, आपकी फौज की सिपाही आपके खिलाफ बोल रही है। आपने सोशल मीडिया में देखा, वही आपने कुछ कहना चाहता हूं, उसके बाद आप ये बताएं, आपका सर्विंग नेवल कमांडर ने पकड़ लिया, अब उसको छुड़ाने के लिए क्या मिला आईसीजे से आपको? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको क्या बोला? आप गलत हैं, आप तो झूठ में झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद आपके पांच फौजी मारे थे सड़क पे, कौन सी फौज है टोल पे, एक टोपी और एक पैंट बना दिया, आप तो फौज बनने बन गए, आप फौज की क्या कर रहे हैं? फौज का मुराद फौज का मुराद साउंड है, दे आर नॉट अ फाइटिंग सोल्जर, तो बॉर्डर पे यू नो इट, आप फौज की बात कर रहे हैं, आज मार जाता है फौज सारे चले चले क्यों आई है कि फौजी कल्चर क्या होता है? हाथों के साथ क्या कर रहे हैं? चोर चक्की की तरह अंदर घुस गए, आप बहुत खुश हैं कश्मीरी नेहतियों को मार के, बिचारों को फौज मार के, अभी आर्मी चीफ कहते हैं, काश उनके बाद भी हथियार होते हैं, हम फिर उनको बुचर करते हैं। ये तो आपकी सोच है, कश्मीरी की बात करेंगे, आपका वो कश्मीरी आपके बॉर्डर पे शादी में अब्दुल्ला दीवाना पता है, कश्मीर पाकिस्तान रोके, अरे आपसे बलूचिस्तान समझ नहीं रहा, आपसे लाहौर तो समझ नहीं रहा, आपसे कराची तो समझ नहीं रहा, आप कश्मीर की बात कर लेते हैं बार बार, पंजाब में पाकिस्तान के क्या हालात है बताऊं मैं आपको, 22 जहां आप इस समय बैठे हैं कराची के अंदर, वहां के क्या हालात है देखिए ना, मूवमेंट्स है, माउथ माउथ मूवमेंट, पेशावर के अंदर बच्चे मर गए, आप लोगों को होश नहीं आई, इतनी जाने चली गई, उनको ट्रेंड किया, आप उनको वहां पर टेररिस्ट, ब्रिगेडियर नवाज देखिए, आप पहली बार इस डिबेट के अंदर आए, मुझे लगता है मर्यादा आप में बिल्कुल नहीं, आप बात सुनते ही नहीं है किसी की, मुझे मैं ब्रिगेडियर मैं आप गलत बात करते हैं, मैं कादियान साहब का रुख करता हूं, कादियान साहब पाकिस्तानी फौज की असलियत क्या बताइए हमारे व्यूअर्स को, ये कॉन्फ्लेक्स बनाते हैं, ये वॉशिंग मशीन बनाते हैं, ये सच्चाई है, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। मैं आपको दो पॉइंट पहले दे दूं छोटे छोटे, एक तो हमारे पाकिस्तान साथियों ने कहा है कि हम इतना बड़ा देश है लेकिन हमारी सोच बड़ी छोटी है,
अगर आप तीन साल पहले 26 मई 2014 की मिसाल लें, जबकि भारत के प्रधानमंत्री ने पूरे पड़ोसियों को बुलाया था जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल थे, वो बड़प्पन की निशानी है, छोटेपन की नहीं है। दूसरा, जब हमारे प्रधानमंत्री लाहौर में उनके फैमिली फंक्शन में जाके शरीक होते हैं, वो बड़प्पन की निशानी है, छोटेपन की नहीं है। अगली बात, मैं इनको हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देता हूँ। 71 की लड़ाई के बाद, मेरे सुन ले मेरे पाकिस्तानी साथ, 71 की लड़ाई के बाद भुट्टो ने एक इंक्वायरी ऑर्डर करी थी जिसके मुखिया थे जस्टिस हमदुर रहमान। उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, कई बातें लिखी हैं, ये भी लिखा है कि आप पाकिस्तानी आर्मी ने 3 मिलियन ईस्ट पाकिस्तान का कत्ल किया है मार्च और दिसंबर 71 के बीच में। लेकिन जो बात आज के संदर्भ में लागू है, उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी के पास 90,000 से ज्यादा सैनिक थे, हथियार थे, फिर भी उन्होंने सरेंडर किया है, वो कावर्डिस की निशानी है। भुट्टो को वो रिपोर्ट देके इतना गुस्सा आया था, उन्होंने हुक्म दिया था कि सारी कॉपी इसकी डिस्ट्रॉय करो, लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट निकल आई। शायद हमारे पाकिस्तानी साथियों ने पढ़ी होगी, आपके जस्टिस की रिपोर्ट है, वो हमारी नहीं है। वो देखिए, अगर तू तड़ाक करके बात करेंगे, एक लेवल से नीचे करके बात करेंगे, तो फिर वो उस तरह की बात हो जाएगी। अब आप राज कादियन के आरोप का जवाब दे दीजिए। आप अगर आपके पास है तो रिपोर्ट पढ़ी थी आपने? अभी मैं आप शर्मिंदा हुए थे आप? रिपोर्ट पढ़ी नहीं, रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं हुई है। अरे, आपने कहां से पढ़ ली ये तो बताइए। अरे ब्रिगेडियर नवाज, आप क्यों जवाब देते हैं? मुझे ये ब्रिगेडियर जावेद हुसैन जवाब नहीं दे सकते? ब्रिगेडियर जावेद हुसैन से पूछ रहे हैं ना आप, उनको तो बोले दीजिए। उनको इतना बेचारा क्यों बना रखा है आपने? 71 के शौक में है वो, मैं समझता हूँ, लेकिन बोलने तो दीजिए उनको। जावेद हुसैन बताइए, मुझे बात अगर करने दें तो फिर मैं बात करूंगा। बताइए बताइए, बिल्कुल करिए जनाब, बात करता हूँ तो आप उसको काट देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं काटते। आपको 71 की आप बात कर रहे हैं, दो पॉइंट मेरे। एक तो वो जो है कि जी तीन मिलियन लोगों को मार दिया पाकिस्तान फौज ने। आप एक किताब है डेड रेकनिंग रिटन बाय शर्मिला बोस, वो सुभाष चंद्र बोस की ग्रैंड डॉटर, उसने पूरा पता नहीं कितने साल लगाए इसको रिसर्च करने में, उसके बाद उसने ये किताब लिखी। और उसमें लिखा है कि जो इंडिया क्लेम कर रहा है, जो बांग्लादेशी क्लेम कर रहे हैं, वो सब झूठ, टोटल लाइज। सच आप बोल रहे हैं। वही चीज जो है उसको कोई डिस्कस नहीं करता। ये आपके जो कंजन साहब थे या कौन थे, उनसे कहें वो किताब पढ़ें। दूसरा पॉइंट, वहाँ पर फॉस लेवल आप देखें कि बांग्लादेश में क्या थी। आप रिपोर्ट की बात बताइए ना, बटालियन आपने जस्टिस की रिपोर्ट की बात बताइए जो राज कादियन ने आपके सामने फैक्ट रखा। जीरो। फिर आप भारत को इक्वेट करने लग जाते हैं। देखिए, एक बात मुझे बताइए, तथ्यों को, भारत देखें, सत्य को कितना मरोड़ेंगे, लेकिन वो आपके सामने आएगा ना। 71 आपके सामने आके खड़ा है। और मैं आपको हिस्टोरिक डेटा बताता हूँ, अभी हाल फिलहाल का, पिछले 8 महीने का डेटा सुन लीजिए आप। 14 अक्टूबर 2016 पाकिस्तान में होने वाला सार्क सम्मेलन रद्द हो गया, आपकी फजीहत नंबर एक हुई। आतंकवाद का विरोध करते हुए भारत ने हिस्सा लेने से इंकार किया, वो सम्मेलन रद्द हो गया। सच्चाई है, सच्चाई है, दिस इज अ फैक्ट। पॉइंट नंबर 2, 8 दिसंबर 2016 अमेरिकी रक्षा मंत्री अस्टन कार्टर ने आतंकवादियों के खिलाफ कदम उठाने को आपको कहा, बोला कदम उठाइए नहीं तो भागिए यहां से। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको बताता हूं, आपकी फजीहत नंबर 2 क्या है, मैं आपको बताता हूं, उरी के बाद आपका हश्र क्या हुआ है। 2 फरवरी 2017 सुनिए, मैंने आपकी बात को 1.5 मिनट तक सुना, सुनिए अब आप। कुवैत ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने पर बैन लगा दिया। कुवैत जैसे देश ने आपको बोला कि आपको वीजा नहीं देंगे क्योंकि आप टेररिज्म फैलाते हैं। पॉइंट नंबर 4, 8 मई 2017 ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। पाकिस्तान तो आपका नहीं, सुनिए अब आप, सुनिए सुनिए अब आप, आपको चेतावनी दी, आतंकी ठिकानों पर हमले की ईरान ने चेतावनी दी। और तो और सऊदी अरब ने आपके प्रधानमंत्री को बुलाया, आपके प्रधानमंत्री ने रट्टा लगाया भाषण का, लेकिन भाषण नहीं होने दिया। वो आपके ऊपर बहुत बड़ा, बहुत देखिए, आपको बहुत बुरी तरह से शर्मिंदा किया गया था वहां पर। आप रियलाइज करिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लग गई, आपका वीडियो सबूत बिल्कुल रोकने लगी है, आपको रोक लग गई, प्रोसेस उसी तरह बिल्कुल रोकने लगी है, इसी तरह कोर्ट केस चल रहे हैं, उसी तरह ड्यू प्रोसेस हो रहा है। और अंग्रेजी आप देखेंगे
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ जाएगा, फिर आपको पता चलेगा जब उसका बॉडी बैग आएगा। प्लीज बी माइंडफुल, आपको समझ दे और सद्बुद्धि दे। ये आपको मैं बात बता रहा हूँ, ये टेररिस्ट है, ये जासूस है, ये आम शहरी नहीं है, इस पे कोई कानून लागू नहीं होता। पाकिस्तान का कानून सुप्रीम है। ओके गौरव भाटिया, वहां पर यही गौरव भाटिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा क्या कहा है बतौर वकील बताइए। नहीं कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान को कंसीडर करें। उन्होंने बोला पाकिस्तान को कि आपने बिल्कुल ठीक किया। सर इतना शर्मिंदा होने किया नहीं, के बाद तो आपके मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आ रही है कि हम पूरी प्रिपरेशन के साथ नहीं कह रहे हैं। 5 करोड़ रुपए फालतू में ले लिए उस वकील ने, जबकि हमारे वकील ने 1 रुपया लिया था। कानून के मुताबिक सजा दी गई है और दी जाएगी। हम वतन परस्त हैं, हम में देशभक्ति है। बात क्या करप्शन है, सुनिए, क्लेमेंसी मांगे आपने, भारत ने जाती है, सुनिए प्रेसिडेंट से मांगे एक मिनट, भारत ने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अब श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने बदले में क्या दिया? हमने जब पेशावर का आतंकवादी हमला हुआ तो पूरा भारत रोया, आंखों में आंसू थे, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे मरे थे। लेकिन आपने यहाँ आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा दी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुंह की खाई पाकिस्तान ने, आपको अपनी लीगल टीम बदलनी पड़ी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्टे किया। उसके अलावा हमारी सेना ने अपनी ताकत दिखाई और पहली बार एक देश के दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया। अगर आप में हिम्मत है, बांग्लादेश आप नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि आपकी सेना की हालत ये है कि जो सेना के जवान अपनी जान देते हैं पाकिस्तान के लिए, उनके शव के लिए इसके बाद देखिए, पाकिस्तान जो है आज प्रजातंत्र है। शर्म नहीं आती आपको ये बात कहते हुए? आप दिल से जानते हैं कि पेशावर किसकी वजह से हुआ है और क्यों हुआ है। जिस दिन पेशावर हुआ था हिंदुस्तान में भी आंसू बहे थे, क्योंकि बच्चों की मौत पे कोई खुशी नहीं मना सकता। ये इंसानियत है हमारी, और आप कह रहे पेशावर आपने कराया। थोड़ी तो शर्मिंदगी रखिए, थोड़ी तो इंसानियत रखिए।